हाय एवरीवन, तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टाइम के बारे में, एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में जब शायद सबसे ज्यादा रैंक्स बिगड़ती हैं, जब सबसे ज्यादा करियर बर्बाद होते हैं, जब बहुत सारे अच्छे बच्चे एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ते हैं जहां पर उनका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाता। अब आप सब सोच रहे होंगे, सर ऐसा कौन सा टाइम है जब सारे एक साथ इतने सारे बच्चे गलतियां करते हैं? तो यार वो टाइम है ये हॉलिडे सीजन वाला टाइम, ये फेस्टिवल वाला टाइम। आपको कुछ कहानियां बताऊंगा उन बच्चों की जिन्होंने टाइम वेस्ट किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले बहुत अच्छा कर रहे थे पर सिलेक्शन ही नहीं हुआ बाद। उन बच्चों की भी जिन्होंने टाइम वेस्ट किया पर संभल गए और कुछ एक ठीक ठाक रैंक वो लेके आ पाए। तो मैं स्वागत करता हूं आपका इसरल के चैनल पर, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। तो यार सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उसी व्यक्ति से जिसको मैं बहुत करीब से जानता हूं, सबसे ज्यादा शायद उसी व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो हूं मैं खुद। दिवाली के टाइम पे होता क्या है, 11th 12th में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो अपने सारे स्कूल के फ्रेंड से, आसपास की दुनिया से एकदम कटा हुआ था। दिवाली की छुट्टियां लगी, 4-5 दिन का मेरे को ब्रेक मिला। उससे पहले मैं करीब करीब अपने एडवांस के टेस्ट की अगर बात करूं तो 70-75% ऑन एन एवरेज स्कोर कर रहा था एडवांस के टेस्ट। सर्टेन था कि यार मेरा तो हो जाएगा क्योंकि आई वॉज परफॉर्मिंग रियली गुड। बट दिवाली के टाइम पे हुआ ये कि दोस्तों से मिलना चिलना हुआ, डिस्ट्रैक्शन हो गया जीवन में और वो 4-5 दिन में फ्लो ब्रेक हो गया। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी कि यार बहुत पढ़ लिया, 1.5 साल हो गया, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। उसका असर ये हुआ कि बिल्कुल फिर बाद में वो जो होता है ना, एक जो फ्लो होता है यार, डेली 10 घंटे में पढ़ पा रहा हूं, मेरा सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि दूसरी चीजों में मैं इन्वॉल्व ही नहीं था, मेरे लिए जीवन में और कुछ था ही नहीं। बट जब एक लंबा ब्रेक हम ले लेते हैं तो दूसरी चीजें आ जाती हैं लाइफ के अंदर जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है, सिर्फ एक जो हमारी लगातार पढ़ने वाली आदत है जब वो ब्रेक हो जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा 12th के साथ नहीं हुआ, फिर ड्रॉप लेना पड़ा। जिस साल ड्रॉप लिया ना उस साल शायद सबसे ज्यादा पढ़ाई दिवाली के टाइम पर करी थी। मतलब सही बता रहा हूं, सिर्फ 4 घंटे की जो पूजा वगैरह होती है उसका ब्रेक लिया था, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, एकदम अपने रूम में चिपक के बैठा था और पढ़ाई कर रहा था। आज आपको डिसाइड ये करना है कि यार हो गया, ठीक है, फेस्टिवल खत्म, ठीक है, अब आप आगे क्या करना चाहते हो। इस बार जो आपकी दिवाली मनी है, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए सबसे डिफिकल्ट रहा है, उनके बारे में मैं बताता हूं। बट इस बार जो हमारी दिवाली मनी है वो नॉन आईआईटीयन, नॉन डॉक्टर, नॉन 10th में अच्छे परसेंटेज वाली दिवाली मनी है। क्या हम अगले साल जो दिवाली मनाना चाहते हैं या कोई फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो एक आईआईटीयन डॉक्टर और 10th में अमेजिंग परसेंटेज वाला फेस्टिवल मनाना चाहते हैं कि फिर से यही कि हमारा इस बार नहीं हुआ वाली दिवाली मनाना चाहते हैं। जिन बच्चों ने भी पिछले 2-3 दिन वेस्ट किए हैं उनके लिए ये रेड अलर्ट है। अगर आपने अगले 2-3 दिन में अपना मोमेंटम नहीं बनाया तो जो मेहनत आप 1 साल 6 महीने 2 साल से कर रहे हो उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हमारा एक बच्चा, उसकी कहानी सुनाता हूं, बहुत अच्छा कर रहा था मेरे ही जैसे पर ड्रॉपर बच्चा, मतलब जिसने रिपीट लिया जेई के लिए, दिवाली पे भाई एक चक्कर में पड़ गया क्योंकि टाइम था, जो उसकी मित्र थी वो तो कॉलेज में चली गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो वो तो कॉलेज में चली गई तो ठीक है, वहां पे उतना लोड नहीं होता। बट ये दोनों बच्चे, पूरा साल उसका ड्रॉप ईयर भी बर्बाद हो गया क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, हमारा मोमेंटम लूज हो गया ना, तो हमारे को इधर उधर की चीजें दिखने लग गई,
और हमेशा इधर उधर की चीजें हमको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो करना आसान होता है एज कंपेयर टू लगातार पढ़ाई कर। हर साल कम से कम 20-30% बच्चे ट्रैक लूज कर देते हैं, पर आप वो बच्चे नहीं बनने वाले। आप वापस से उसी खतरनाक वाली इंटेंसिटी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, विगर, रिगर, जो आप इसको बोलना चाहते हो, परसिस्टेंस के साथ दोबारा अपनी पढ़ाई करने वाले। एक बच्चा आयुष अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 815, जिसकी अभी आई है, दिवाली के टाइम पर डावाडोल हो गया, सही चलते चलते ब्रेक लग गया, 2-3 महीने वेस्ट कर लिए। नहीं करता तो शायद टॉप 100 में आ जाता, टॉप 500 में आ जाता। खैर अब फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो हमारा पोटेंशियल है, जितना हम कर सकते थे उतना नहीं कर पाते, अगर एक लगातार मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। यह पहली तकलीफ। दूसरी तकलीफ, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, अभी थोड़ा सा ड्रॉपर स्पेसिफिक बात है, वो आपसे आके बोलेंगे दिवाली पे जब बात होगी घर में कि यार शर्मा जी का बेटा तो वो IIT में चला गया, अरे अग्रवाल साहब का बेटा तो देखो डॉक्टर बन गया, अरे ये हमारे बड़े भैया के बेटे ने तो देखो ये कर लिया वो कर लिया, ये सारी बातें होगी। और जब आपसे पूछा जाएगा तूने क्या किया, तो आप ये बोलोगे मैं तो ड्रॉप ले रहा हूं, मेरा तो इस बार नहीं होगा। तो आपको जो इंडिया में सबसे आसानी से चीज मिल जाती है, फ्री फोकट की फ्री एडवाइस, वो दी जाएगी। अबे तेरा 2 साल की प्रिपरेशन, 3 साल की प्रिपरेशन करके ही नहीं हुआ, तू अब क्या कर लेगा भाई? जब तेरे पिछले साल ही नहीं निकला तो इस साल कैसे निकाल देगा तू? ड्रॉप मत ले, तू एक काम कर, तू कोई भी घटिया सा प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर ले बेटा। यार हमारे उसके ने तो क्या किया था, एक प्राइवेट कॉलेज से किया था और फिर उसके बाद उसने बहुत अच्छी तैयारी करी तो उसकी बढ़िया जॉब लग गई, बाद में UPSC कर लेना, गेट का एग्जाम दे देना, अभी BSc में एडमिशन ले लो, आजकल दूसरी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है डॉक्टर बनने के अलावा, 10th के मार्क्स कहां मैटर करते हैं, जीवन तो बहुत बड़ा है। ये सारी बातें आपसे करी जाएंगी, ये सारी बातें आपके एनवायरमेंट में होंगी। आपको अपने कान को बंद रखना है, सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान करना है, मतलब जो आपका गोल है ना उस पे फोकस करना है। अगर हमारा टाइम वेस्ट हो भी गया फेस्टिवल के टाइम पर, कोई बात, पर अब तो खत्म ना, अब तो जाग जाओ और ऐसी रफ्तार भरो। हम सब जानते हैं ये जो लास्ट का टाइम होता है ना एग्जाम से पहले के 3-4-5 महीने, ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। इस क्रिटिकल टाइम को जिसने अपना बना लिया वो बच्चा जीत जाएगा, जिसने पूरी ताकत लगा ली वो बच्चा जीत जाएगा, जिसने नहीं लगाई, जो लूज पड़ गया, उसने जो एडवांटेज कमाया है पिछले इतने टाइम में मेहनत कर कर, वो लूज हो जाएगा। जो ड्रॉपर बच्चे हैं, आपको आपके बहुत सारे दोस्त अभी IITs में, एम्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हुए दिखेंगे, वो आपको कॉल भी करेंगे, आपको खुद के लिए बुरा भी लगेगा, आप टाइम वेस्ट भी करोगे, पर यार उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। कुछ दोस्त प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे कूल गाड़ियों में बैठकर, उनकी बंदी भी बनेगी, बंदा भी बनेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपकी भाषा में आप बोलते हो, इस सबसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य ये नहीं है, हमको और बहुत बड़ा करना है। हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत सारे सैक्रिफाइस करें, और सिर्फ हम ये जानते हैं उन सैक्रिफाइसेस को हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यार हॉलिडे मूड इज ओवर, गेट बैक टू द बीस्ट मोड, वापिस से अपना बीस्ट मोड ऑन करो, लग जाओ। आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत अगले 4-5-6 महीने में करनी है, ये फोकस, ये इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ना, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और एक चीज कि अपने पथ पे चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर। All the best.